बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी ख़वातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ जो बहुत ही आसान है और आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना क्या है? सिर्फ अल्लाह ताला का एक नाम, और वो है या रहमानु। रोज़ाना असर की नमाज के बाद या रहमानु सिर्फ 11 मरतबा पढ़ें और अपनी 11 मुश्किलात से आप यकीनी छुटकारा पाएंगे। मुश्किल जादू की है, बेरोज़गारी की है, कारोबार की बंदिश की है, जिन्नात ने जीना धोबर कर दिया हो, रिश्ते तो आते हों मगर कहीं बात ना बनती हो, बच्चे तालीमी मैदान में दिन ब दिन पीछे जा रहे हों, औलाद नाफरमान हो गई हो, घर में हर वक्त झगड़े का माहौल हो, बे औलादी ने परेशान कर दिया हो, या बेटे की तमन्ना हो, या अपना घर चाहिए, तो इस अमल को आप अपनी मुश्किल का तसव्वुर करते हुए करें। जब तक मसला हल ना हो इस अमल को जारी रखें। एक साहब बताते हैं कि हकीम साहब, मेरी शादी 2012 में अपनी फूफी जात से हुई। अल्लाह ने शादी के पहले साल ही मुझे बेटी से नवाजा। इसके बाद यक्के बाद दीगरे दो बेटियां अल्लाह ताला ने मजीद अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र है, बेटी की पैदाइश पर कभी भी मेरे या मेरी अहलिया के दिल में एक मरतबा रंज नहीं हुआ, बल्कि हर मरतबा हमने पहले से ज्यादा खुशी मनाई। मगर फितरी तौर पर मुझे भी बेटे की कमी महसूस हुई, तो मैंने अपने एक दोस्त से कोई वजीफा या नुस्खा तलब किया, तो इसने मुझे तस्बीहाना और आपका बताया, साथ या रहमानु का वजीफा भी बता दिया। मैंने और मेरी अहलिया ने बेटे का तसव्वुर करके रोजाना नमाज असर के बाद सिर्फ 11 मरतबा या रहमानु सांस रोककर पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और आज मैं 3 बेटियों और 1 बेटे का बाप हूँ। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।